हरे कृष्णा सभी को। बच्चों आप में से इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, परेशान हैं और बार बार सिर्फ एक ही चीज पूछे जा रहे हैं कि हमारे फाइनल एग्जाम कब होने वाले हैं 2021 में। इसी टाइम पे एक पीडीएफ काफी वायरल हो रखी है जिसमें बोला गया है कि फाइनल एग्जामिनेशन 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और जो इसका रिजल्ट होगा वो मई में भी निकाल दिया जाएगा। बच्चों मैं उस पीडीएफ के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलने वाला कि वो पीडीएफ ओरिजिनल है या फिर फेक है, बस यहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिक की। लॉजिक की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे स्कूल खुले नहीं है और अभी तक चांसेस भी नहीं है कि अक्टूबर में स्कूल खुल जाए। सिलेबस की बात करें तो क्लास 10th और क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट करने में मिनिमम 5 महीने लगता है। अगर आप अपने टीचर से अगर पूछोगे कि यहाँ पे सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट होगा तो वो बोलेंगे कि मिनिमम अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने में 5 महीने का समय लगता है। तो अगर हम देखें कि अक्टूबर में अगर स्कूल खोल भी दिए गए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हमारे पास पूरा कंप्लीट फरवरी ले जाएगा और उस टाइम पे एग्जामिनेशन कैसे करवाओगे जब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। मान लिया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए बट वहां पे उनकी क्लासेस अभी कंटिन्यूस चल रही है, बट वो बच्चे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, वो सिर्फ डिपेंडेंट है अपने सरकारी स्कूल के ऊपर ही, सरकारी स्कूल के टीचर के ऊपर ही, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल वाले अच्छा स्कोर कर जाएंगे और जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो तो भाई नीचे रह जाएंगे। इस केस में ये प्रॉब्लम सरकार बिल्कुल समझेगी, आप टेंशन मत लो, आपके एग्जामिनेशन फरवरी में होने के चांसेस बहुत ही कम है। जैसे कि इस टाइम पे भी हमने देखा है कि एग्जामिनेशन की डेट शिफ्ट की गई है अकॉर्डिंग टू नीड, वैसे ही जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पे एग्जामिनेशन लेना, कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं होगा। खुद सोच के देखो कि जब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जामिनेशन किस बात का भैया। तो यहाँ पे फरवरी में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना काफी मुश्किल की बात होगी, क्योंकि कितने भी हम देखें सिलेबस को कंप्लीट करवाने की बात तो 5 महीने कंप्लीट लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करवाने में और तब तक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो सकते। और बच्चों जो ये 15 फरवरी की डेट निकल के आई है, मुझे इस पे यकीन नहीं है ये डेट पक्का एक्सटेंड होगी। इसके रिगार्डिंग मैंने CBSE को मेल भी किया है, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि ये मेल क्या है। मैंने इसमें ये बोला है कि बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, आप यहाँ पे कंफर्म करिए कि एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है 2021 में, देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। जैसे अगर इस पर रिप्लाई आया मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये हमारे पास CBSE से ऑफिशियल अपडेट निकल के आएगा अगर मेरे पास यहाँ पे मेल का रिप्लाई आया। और बच्चों अगर मैं एक लॉजिक की बात करें तो जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान से सुनना, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जामिनेशन ले नहीं सकते और CBSE को अपना ये जीरो एकेडमिक ईयर भी नहीं करना, इसके बारे में हम बात करेंगे। CBSE को अपना ये एकेडमिक ईयर भी खराब नहीं करना, तो यहाँ पे मई से आगे नहीं बढ़ सकता आपका एग्जामिनेशन डेट और फरवरी से आपका मतलब 15 फरवरी से नहीं हो सकता। तो जो मोस्ट, जो सबसे अच्छी डेट, जो सबसे अच्छे प्रेफरेबल टाइम हमारे पास लग रहा है वो मार्च और अप्रैल के बीच का ही है। इसी बीच आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे और बाकी क्लास के एग्जामिनेशन भी इसी बीच होंगे। अब बात कर लेते हैं जीरो एकेडमिक ईयर की। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या इस ईयर को जीरो एकेडमिक ईयर कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल भी यही बोल रहे हैं कि जीरो एकेडमिक ईयर हो सकता है। तो आप मेरे सुन लो कि जीरो एकेडमिक ईयर आपका नहीं होने वाला, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर सरकार को जीरो एकेडमिक ईयर करना होता तो वो नीट और जेईई के एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करवाती। जिस प्रकार इस बहुत मुश्किल टाइम पे भी सरकार ने जेईई और नीट के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, सेम इसी तरह बोर्ड 2021 के एग्जामिनेशन होंगे। 2021 में एग्जामिनेशन होगा, थोड़ा लेट होगा बट एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस कंप्लीट करवाएगी सरकार। जैसे स्कूल खुलता है टीचर फुल फ्लेज पे काम करेंगे, उनका जो मेन एम होगा वो पहला यही होगा सिलेबस कंप्लीट करवाना, उसके बाद जो सेकेंडरी वर्क होंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि जीरो एकेडमिक ईयर हो जाएगा, और मैं तो ये सोच रहा हूं कि जीरो एकेडमिक ईयर होना भी नहीं चाहिए, कंप्लीट एक साल का वेस्ट होगा। ये मान लो कि आपका जो एग्जामिनेशन हो काफी ईजी हो जाए और आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाओ। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो ये वीडियो, फैला दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।